तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत है आप लोगों का सीयूईटी की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को वर्बल एबिलिटी का एक टॉपिक कराने वाला हूँ, ग्रामर का, एंड दैट इज टेंस। दोस्तों इससे पहले की अगर कोई भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले की वीडियोज को जरूर देख लो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी जाके एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाओगे, तभी जाके अच्छे मार्क्स इंग्लिश में सिक्योर कर पाओगे। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जिसने भी कोर्स अभी तक नहीं देखा है, पूरा कोर्स फ्री है, आप जल्द से जल्द देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, एंड दैट इज अबाउट टेंस। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों देखो टेंस होता क्या है। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो इसको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब किसी भी एक टाइम में किसी वर्क की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसे हम टेंस कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी काम है जो प्रेजेंट में हो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस, कोई भी काम पास्ट में हो रहा है पास्ट टेंस, कोई भी काम फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है तो वो फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हो रहा है नहीं सिर्फ, बल्कि अगर कोई काम हो चुका है कंप्लीट, या हो रहा है, या होता है, हर तरीके से उसको टेंस ही माना जाएगा, ठीक है। अब हमारा कहा जाता है कि तीन टेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखा जाए तो ये टेंस नहीं बल्कि टाइम होते हैं। देखा जाए तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस नहीं होते हैं बल्कि ये टाइम होते हैं। जो टेंस होता है वो होता है वर्क और द वे द वर्क इज परफॉर्म्ड, है ना। तो टेंस मेनली हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि टेंस हम मान लेंगे इंडेफिनेट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ये चार हमारे टेंस होते हैं। फिर हर एक टाइम के ये चार टेंसेज होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही पास्ट के चार हो गए, ऐसे ही फ्यूचर के चार हो गए। तो ये हमारे टेंसेज होते हैं। अब इंडेफिनेट को सिंपल टेंस भी कह दिया जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसे भी हो सकता है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। अब मेन चीज आप लोगों को कॉम्पिटेटिव लेवल पे जो पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस होता है, पॉजिटिव मतलब जहां नॉट नहीं आता वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। मैंने आप लोगों को जब सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था तो मैंने क्या कहा था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो चार्ट मैं लिखवा रहा हूँ ये बेसिकली वर्ब के ऊपर बेस्ड है कि भाई कौन सी वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे टेंसेज में लगती है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में तो देखो मैंने बताया था वर्ब दो तरीके की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। जिसने पहले की वीडियोज देखी होगी उसे ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है आपस में, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो वहां पॉजिटिव वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का रोल नहीं होता, खाली डायरेक्टली मेन वर्ब आती है। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आता है, एस ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ये मैंने बताया था। लेकिन जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो कि होती है डू डस प्लस नॉट प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। मतलब नेगेटिव में डू डस लगेगा, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर टेंस में विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर का इस्तेमाल होता है और इज एम आर के साथ सेम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल या शेल फिर साथ में बी लग जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर परफेक्ट टेंस में हैज या हैव आता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव प्लस बीन आता है और साथ में आई एन जी वर्ब लगती है, सेम हैड बीन में भी आई एन जी वर्ब लगती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन आता है और साथ में आई एन जी वर्ब लगती है। तो सबके साथ, तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है। मेन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को हेल्प करेगी अपने एग्जाम के अंदर।
कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब आ रही है, ये चीज रट लो या माइंड में रख लो, कॉन्सेप्चुअली समझ लो, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, परफेक्ट टेंस के अंदर तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्रेजेंट में, इसमें सेकंड फॉर्म आती है, इसमें विल शैल फर्स्ट फॉर्म आता है, इसमें नेगेटिव में डू डज नॉट आता है, इसमें पास्ट में डू डू डज का डिड हो जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इनका मीनिंग क्या है, तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम किसी रेगुलर एक्शन की बात कर रहे होते हैं कि भाई कोई काम डेली बेसिस पे होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं रोज सुबह इतने बजे उठता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। पास्ट इंडेफिनेट में बात होती है कि कोई स्पेसिफिक काम जो मैंने अभी किया, जैसे मैंने अभी बोला रिसेंटली मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज की एक वीडियो बनाई, तो मैंने रिसेंटली वो काम कंप्लीट कर लिया है ना। और फ्यूचर इंडेफिनेट होता है कि कोई भी काम डेफिनेट है कि फ्यूचर में होगा, जैसे मैंने बोला कि कल भी मैं एक सीवीटी की वीडियो बनाऊंगा, तो ये चीज डेफिनेट होती है। कॉन्टिन्यूअस होता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी जब मैं बोल रहा हूँ उसी वक्त वो काम हो रहा है, जैसे मैं कहूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ या तुम मुझे सुन रहे हो या मैं बोल रहा हूँ, तो ये एट द मोमेंट अभी हो रहा है। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो एक समय पे पहले हो रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब जो हो रहा होगा, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन, मतलब कोई काम जो पूरा हो चुका है, कोई काम जो पूरा हो चुका है, जैसे मैंने कहा कि मैंने वीडियो बना ली है तो वो काम पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे मीनिंग्स। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि जब भी कोई काम कंटिन्यू है उसमें कॉन्टिन्यूअस का सेंस है कि कोई काम चला आ रहा है, और साथ में टाइम की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए टेंस के बारे में। अच्छा, अब दूसरी चीज जो ये है वो ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब्स मैंने लिखवाई हैं हर जगह पे हर एक टेंस की, इनसे पहले सब्जेक्ट आएगा और इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब लगता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसे यहाँ विल शैल लिखा हुआ है तो शैल आई वी के साथ आता है, विल नेम ई शी इट यू दे के साथ आता है, यहाँ डू डज में डू आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, डज नेम ई शी इट सिंगुलर के साथ आता है, एस सी एस वर्ब के साथ पॉजिटिव में नेम ई शी इट सिंगुलर के साथ लगता है, इज नेम ई शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एम आई के साथ, आर वी यू दे प्लूरल। मैंने हेल्पिंग वर्ब वाली एक वर्ब वाली वीडियो बनाई थी, उसमें ये सारी की सारी चीजें लिखवा रखी हैं। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब आएगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एरर स्पॉटिंग में बच्चों इसकी गलती होती है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल बातें हैं, जैसे अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करता हूं, तो मैंने आपको बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे जब टाइम लास्ट में लग रहा है तो टाइम के लिए हम दो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, एक होता है फॉर और एक होता है सिंस, इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ एक अवधि, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ये हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ये हो गया, इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम पीरियड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 बजे का समय है पॉइंट ऑफ टाइम, 6 बजे का समय है पॉइंट ऑफ टाइम, बीच में जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर की हो गई, तो 1 आवर हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो अगर मुझे 1 आवर के साथ लगानी है प्रेपोजिशन तो मैं फॉर लगाऊंगा ना कि सिंस। ऐसे ही मैं बोलूँ 5 PM से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 PM, क्योंकि ये जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है ना कि ड्यूरेशन के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो 5 बजे, 6 बजे, मंडे, जनवरी 1984, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, 10 साल, 10 घंटे, 10 मिनट, 10 सेकेंड, ये सारी की सारी चीजें पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये आप लोगों को टेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा कुछ एडिशनल रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि भाई जब भी मैंने ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाले वीडियो के अंदर भी बता रखा है कि जब भी सेंटेंस में कहीं टू आ रहा है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जब भी कहीं पे फॉर आ रहा है तो फॉर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, जब भी कहीं पे आफ्टर आ रहा है या आफ्टर के अलावा बिफोर आ रहा है और उसके बाद मुझे वर्ब लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, जब भी कहीं पे ऑफ आ रहा है तो ऑफ के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो ये हमारी कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं दोस्तों, ये प्रेपोजिशंस जो हैं इनके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी कई बार एरर स्पॉटिंग के अंदर गलतियां होती हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, समझ में आ गई बात। और देखो ये जो क्वेश्चंस है ना ये एरर स्पॉटिंग के अलावा गैप फिलिंग में भी आ सकते हैं। गैप फिलिंग में कैसे आ सकते हैं, जैसे आपको डिड नॉट दे दिया
डिड नॉट के बाद डैश दे दिया, और नीचे चार ऑप्शन में आपको बोला गया कि भाई कौन सी फॉर्म वर्ब आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि डू डज या डिड के बाद हमेशा नॉट लगता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कई बार क्या होता है, डिड दे देगा लेकिन डिड के बाद नॉट नहीं देगा, फिर डैश दे देगा और वर्ब बोल देगा, तो वहां वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे लेकिन आप ये भूल जाओगे कि डिड के बाद नॉट भी फॉलो होता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसी के अलावा अगर हम टेंस को पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो इज एम आर के साथ आईएनजी की जगह इज एम आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये सारी की सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई दोस्तों बात? तो आई होप आप लोगों को टेंसेस का टॉपिक जो है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने सीयूईटी इंग्लिश का ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर आप सीयूईटी इंग्लिश का ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो ग्रुप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और जितने भी डाउट्स आते हैं वो उस ग्रुप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हो, उसके अंदर मैसेज करना पॉसिबल है। तो कोई भी बच्चा, किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है, किसी भी तरीके का प्रेशर है, तो तुम्हारे सुमित सर जो है वो तुम्हारे साथ है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो अपने डाउट्स को, अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो मैं वहां पे आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। हर तरीके से मैं आप लोगों को सपोर्ट करने वाला हूं, बट आपको भी सपोर्ट करना है अपने प्रेशियस सब्सक्राइब के साथ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि हमारे चैनल को एक सपोर्ट मिले। इस बार मेरा टारगेट है कि इस साल में हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो अचीव करने हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।